क्या हुआ कौशी, आजकल ग्राउंड पे खेलने नहीं आती हो? लगता है क्रिकेट से ऊब गई हो तुम। वो बात नहीं है भाई, माँ को पता चलेगा तो नाराज होंगी। माँ की वजह से? तुम पहली बार ग्राउंड पर क्यों आई थी, याद है ना तुम्हें? एक बार इंडिया मैच हारी थी और बाबा बहुत रोए थे, उन्हीं को खुश करने के लिए खेलने आई थी। तो अभी वो खुश हो गए क्या? वो लड़की जिसने उस दिन ग्राउंड पर आकर बड़ी हिम्मत से कहा था कि मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, हमारे लिए वो थी सच्ची कौशी, ये नहीं। तुम खुद को धोखा दे रही हो कौशी। मैं, सत्या, पीटर, तुम्हें इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखकर बहुत खुश होते थे। हमें लगा और भी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी। जानती हो, इस जगह क्रिकेट खेलने वाली तुम पहली लड़की हो। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो बाकी लड़कियों की भी हिम्मत टूट जाएगी। खुद के लिए ना सही कौशी, तो कम से कम उन लड़कियों के लिए खेलो। ए, रुकना। तो चलिए। गौतमपुर के इलाके में यकायक भयानक अकाल पड़ने की खबर आई है, जिसमें हमारा शहर शामिल है। देखिए ना, गौतमपुर का नाम टीवी पे आ गया। हमारे शहर पर कितना पड़ता है? अरे ये क्या है, हमारे किसानों के पास पानी नहीं है खेती करने के लिए, और तू एक के बाद एक कैन ला रहा है, वो भी भर के। अरे मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो भाई? गलत क्या बोल दिया उसने, खेती के लिए पानी नहीं है, तुम लोग को कहाँ से मिल रहा है? कल से ये कैन 30 रुपए। 30 रुपए? बस बस करो, बंद करते हैं ये सब। ये ट्रैवल वेवल के धंधे में कुछ नहीं है, अपन भी कल से कंधे पे कैन उठा लेते हैं। हां बॉस, एक साल पहले एक आदमी ने शादी के लिए गाड़ी किराए पे लिया था, एक साल के अंदर अंदर उसका तलाक भी हो गया, पर पैसे अभी तक नहीं है। चलो भाई वसूली के लिए निकलते हैं। एक बार पैसा हाथ में आ जाए ना, पानी का धंधा शुरू कर देंगे। दुबई से पैसे आते ही हम लोग नया काम शुरू कर लेंगे। अरे बॉस, बॉस हमारे पास टोटल कितनी गाड़ियां हैं? जल्दी बोलना। 4 है। चारों को बेच डालते हैं। हमारे पास 4 गाड़ी होने का क्या फायदा, वहाँ हमारी भाभी को कोई फटीचर मोटरसाइकिल पर घुमा रहा है। इसको तो मैं क्या यार, बॉल पिच पर थोड़ी ना बाउंस होता है, इस कालीन की वजह से होता है। रख रख दे, रख दे। सुन, सुन मेरे भाई, अगर इसको जला दिया ना तो भाभी कभी क्रिकेट खेल नहीं पाएगी। ए, क्या बकवास है, इससे कुछ नहीं होगा। बकवास नहीं, एकदम ठीक कह रहा है। इस क्रिकेट की कालीन को अपने हाथों से जला दे, और जलाने के बाद उस राख को अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर रगड़ दे, और फिर दीवानों की तरह भटकते रहे, फिरते रहे और गाना गाते रहे। हो सकता है ये सब देख के उसके दिल में क्रिकेट की जगह तेरी शक्ल बस जाए। चल हट, चुप। मंजुनाथ भैया, अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माचिस मेरे पास नहीं है, रुक। अरे देखना अच्छे से, मैं वहाँ क्या हो गया करूंगा। बस माचिस है क्या? अरे ससुर जी बैठे, क्या हुआ? निकलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो यार। सारी उम्र खेती बाड़ी की और आज पानी की बूंद तक नहीं, कुएं भी सूखे हुए और बोरवेल भी खाली पड़े हुए हैं। फसल को मरते हुए देखना अपनी औलाद को मरते हुए देखने जैसा है। बहुत दुखी हूँ, इसलिए यहाँ अकेला बैठा हूँ। भैया अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे ना। ये नामर्दों जैसी बात मेरे सामने कभी नहीं करना। तो क्या करें आप ही बताइए, अगर आप नहीं होते तो हम लोग सड़क पर आ गए होते। आपको इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा है, चलिए ना आपको घर छोड़ देता हूँ। ए, क्या कर रही हो तुम? हाँ बैग मुझे दे। कहो ना बैग मुझे दे। आज के बाद हमेशा इसे अपने पास रखना, अब तू बची नहीं रही, समझी? ठीक है माँ, अब चलती हूँ। अभी भी वक्त है, सोच लो लड़ाई करनी है या नहीं। लड़ाई ना करनी पड़े इसीलिए तो ये रास्ता निकाला। बिल्कुल सही कहा बॉस, हमारी इज्जत इज्जत है, कोई पापड़ नहीं है, तेंदुलकर नाम है मेरा। मरने के बाद इज्जत का क्या करेगा? ये स्लीव ऊंची करने से कुछ नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, शर्ट उतार के मारो इनको। क्या हुआ? इसको भी ले ले अपनी टीम में। मेरी टीम में यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, कहीं और मुंह मारो। अरे रुको रुको रुको, क्या है बॉस का शर्ट फाड़ो क्या? चुप बैठना भाई, ये लोग हमारी तरह शरीफ नहीं है, शक्ल से ही गुंडे मवाली लगते हैं, निकल लेते हैं। लड़की को क्यों रखा टीम में? मेरी मर्जी, मेरी टीम है। तेरी मर्जी, दोबारा वो लड़की दिखी ना तो तुम में से कोई नहीं खेलेगा। कौन होता है ये कहने वाला? उसके माँ बाप है ना, और हम भी संभाल लेंगे। साइकिल की खूब सवारी कराते हो जानता हूँ मैं। कौशल्या तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मना किया था ना मैंने, फिर भी नहीं मानी तू, और यहाँ लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने आ गई। घर चल, दिखाती हूँ तुझे मैं, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलेगी। मैंने तुझे मना किया था ना, उसके बाद भी बहुत भी नहीं मानी। अरे चाची क्यों मार रही हो बहन को? बहन बोलता है, अगर तेरी सगी बहन होती तू भी यहाँ लड़कों के साथ इसे क्रिकेट खेलने देता? मैं भी तो हूँ ना यार इसके साथ। हो क्या रहा है, फालतू में गुस्सा। निकल लेते, चाहती कि ये क्रिकेट खेले इसलिए तू भी लगता है मार ही डालेगी। खेलेगी,
मार के खेलेगी? मेरी बात नहीं मानेगी? क्या कर रही हो? उसकी माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ से ले गई, पर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं गिरी। और मैंने देखा उसने बॉल को कस के पकड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये क्रिकेट उसके लिए खेल नहीं है सर, उससे बढ़ के बहुत कुछ है। उसी दिन मैंने ठान लिया कि कौशी अगर क्रिकेट छोड़ भी दे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जितना चाहो मुझे मारो, पर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगी। तू इस घर से बाहर जाके दिखा, तब पता चलेगा तुझे। अगर बाबा ने बोला तो सुनूंगी, तुम्हारी बिल्कुल नहीं। आने दे तेरे बाबा को, ये तमाशा ही खत्म करवा दूंगी। अगर मेरा कोई छोटा या बड़ा भाई होता तो उसके साथ खेलती ना मैं। मेरा तो वो भी नहीं है ना, इसीलिए मैं उन सबको भाई समझकर खेलती हूँ। तुम माँ हो या जल्लाद, मेरे सपनों को पूरा नहीं होने देती। अच्छा होता तो मेरे माँ ही ना होती। बाबा देखो ना माँ को। बस बहुत जबान चलने लगी तेरी। अगर बड़ों से तमीज से बात करना नहीं आता तुम्हें तो चली जाओ यहाँ से। उस दिन पहली बार मुझे बुरा लगा कि कौशिक क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। कौशल्या, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी को गठित करने का आदेश दिया है। इससे हमारे शहर को अपने हिस्से का पानी मिलेगा और किसानों को। आप क्या बोलते हो, पड़ोसी सरकार पानी देने के लिए मान गई है। अब तुम ये सब छोड़ो, घर जाओ और बेटी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। ये लो ये। अच्छा तुम भी लाई हो। एक काम करो, कौशी के लिए तल के रख दो, वो खुश हो जाएगी। वो उस दिन से मुझसे बात नहीं कर रही है, ना बात कर रही है ना खाना खा रही है, बहुत जिद्दी है वो। कौशी। बाबा, माँ को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं या मेरा लड़कों के साथ खेलना, पूछ कर बताइए। बड़े भैया, वैसे तो हमारे गांव में बच्चों को क्रिकेट सिखाने की कोई एकेडमी नहीं है, इसके लिए तो शहर जाना ही होगा और वहाँ भी लड़कों के साथ ही खेलना पड़ेगा और फिर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुनिए, जब वो छठी कक्षा में थी तो कौशी एक बार मुझसे मिलने आई थी। कह रही थी कि जब इंडिया हारा था तो मेरे बाबा बहुत रोए थे और बड़े हौसले से बोली कि क्रिकेट खेलकर वो आपको खुश करना चाहती है। मुझे लगा था आपके साथ क्रिकेट देखते देखते उसे ये खेल बस यूं ही पसंद आ गया होगा, पर आप 6 साल बाद क्रिकेट एकेडमी के बारे में पूछने आए तो लग रहा है कि वो सचमुच क्रिकेट खेलना चाहती थी। गुड मॉर्निंग बॉस, सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मैं कौशी के लिए स्टेट टीम में अप्लाई कर रहा हूँ। अरे बॉस, ये फॉर्म वॉर्म भरना छोड़ो और उसे जाकर अपने दिल की बात बताओ। बताऊंगा बताऊंगा, पहले शादी के कार्ड तो छपने दे, फिर उसे अपने घर ले आऊंगा। उसकी माँ ने तो उसका गांव में क्रिकेट खेलना बंद करवा दिया है, तो स्टेट लेवल पे कैसे खेलेगी? उसको मुसीबत में भी आप ही डालेंगे और बचाएंगे भी आप ही, है ना? मैंने ही शुरू किया था, मैं ही खत्म करूंगा। लोकल टूर्नामेंट के लिए उसके पापा को मनाना पड़ेगा। पिटने वाले हो भाई? लोग कौशिक के पापा आ गए। अरे पीटर, जाके बात कर। सुन, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे लॉटरी लगने वाली है। उसके बाप को देखा है ना, 20 साल बाद का सलमान है। एक हाथ भी पड़ गया ना, नदिया के उस पार जाके गिरूंगा। सत्या, कौशिक तेरी बहन है ना, तू ही शुरू कर। क्या? जाना मैं? सत्या जा जा, कम ऑन सत्या, कम ऑन, यू कैन डू इट। आज बलि का बकरा तू है, ये बोलना। क्या सत्या, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। हमारे पिताजी का फोन आता है या नहीं? हाँ बिल्कुल आता है चाचा जी। अच्छा अच्छा, बोलना, बोल। चाचा जी, हम ना एक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। हाँ जानता हूँ, बहुत सारे पोस्टर देखे मैंने। खेलो खेलो, अच्छी तरह से खेलो और याद रखना कप हमारा ही होना चाहिए। चाचा जी, वो तो जीत ही लेंगे, पर हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओए, मेरे से बात इसलिए भाई? आप तो जानते ही हैं कि कौशिक कई सालों से हमारी टीम में खेल रही है और इस टूर्नामेंट में खेलने का उसका बहुत मन है चाचा जी। कौशिक एक लड़की है, आप इसलिए डर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल, मैं इनकी तरह क्रिकेट तो नहीं खेलता, पर मैंने कौशिक को क्रिकेट खेलते देखा है, उसका लेवल ही अलग है। उसको देखने के बाद मुझे क्रिकेट से प्यार हो गया। कौशिक तो खेलेगी, पहले स्टेट के लिए, फिर इंडिया के लिए। रुको रुको, इसी बात का तो डर है मुझे यार। वैसे तो मुझे उसके क्रिकेट खेलने से कोई आपत्ति नहीं है,
देख उसकी छोटी छोटी मांगे तो मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम लोगों की सहायता से अगर वो कामयाब हुई और बड़े बड़े सपने देखने लगी तो उन सपनों को पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कोई और कहता तो हम समझ सकते थे, मगर आप ऐसी बात करेंगे तो ठीक है, ले जाओ इसे अपने साथ खेल। धन्यवाद चाचा जी। पर चाचा जी चाची को कैसे? हाँ वो चाची तो हानिकारक है ही, पर मैं संभाल लूंगा उसे। क्या बात है, आजकल ससुर जी की बड़ी याद आती है आपको। मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ ना, किसी दिन वो भी मेरे दुख सुख में काम आएगी। अच्छा सुनो, तुम एक हफ्ते के लिए यहीं रुक जाना, अपने पिताजी की देखभाल करना, मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने आ जाऊंगा। गौतमपुर के प्यारे निवासियों, इस 3 दिन के टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं मशहूर मुरली ट्रैवल्स के मुरली पांडे। मैं तेंदुलकर और ये सचिन आपका स्वागत करते हैं। हाँ बोलो ना भाई। इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर को मुरली पांडे जी देंगे एक खास इनाम। ये अपनी जुबान से अपनी तारीफ नहीं करते इसलिए मुझसे करवा रहे हैं। सही बोला ना भाई, ये पकड़। धन्यवाद। बैठिए बैठिए बैठिए। तू भी ले। हाँ, आई, आई, कौशिक कुछ भी करे तालियां मारते रहना, ये लो पैसा बॉस। हाँ, आई, आई, आई। इन लोगों से ताली बजेगी क्या? ये लो। इन लोगों ने जोर से ताली बजाई तो यही दम तोड़ देंगे, फिर इसका खर्चा कौन देगा? अच्छा देखना है तेरे को। कौशिक आर्मी आग लगा देंगे। क्या हुआ भाई? भाई मैच शुरू नहीं हुआ। कहाँ जा रहा है? ज्यादा पैसे चाहिए तो लेना। ए, तुझे क्या मैं बिकाऊ देखता हूँ? क्या बात कर रहा है? तालियां लूटना इतना आसान नहीं है। तालियां सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तालियों को खरीदा नहीं जा सकता और ना ही तालियां बिकती है। तालियों के हकदार बनो तभी तालियां बजेंगी। भाषण देने का इतना शौक है ना तो जाए इलेक्शन में। येलो येलो येलो। गौतमपुर के नामी शख्स राजेश भैया आ चुके हैं, बहुत जल्द वो स्टेज पर हमारे साथ होंगे। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मंजुनाथ कहाँ रह गया? मंजुनाथ वो नहीं आया? अरे कमाल करता है आदमी, उसकी बेटी अभी खेलने वाली है। राजेश भैया की दुकान पर जाइए। ए ये बहुत रायता फैला रहा है, 5 पैसे नहीं दूंगा। राजेश भैया ने 5 लाख देने का वादा किया है। अरे कहाँ थे तुम? कृषि विभाग के अफसर को मिलने गए थे? अरे वो जांच करने आ रहा है या नहीं? क्या बताऊं यार, रोज रोज टाल ही रहा है वो। जब तुम मैच देखने नहीं आए तो मुझे लगा था कि तुम कृषि अफसर को देखने गए होगे। क्या बढ़िया बॉलिंग करती है तुम्हारी बेटी।